बिल्लू भाई एक दिन रास्ते से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सेब दिखता है। बिल्लू भाई जैसे ही सेब को खाते हुए एक राक्षस में बदल जाते हैं। बिल्लू भाई रोने लगते हैं, ये क्या हो गया, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं राक्षस बन गया, मैं पहले ही ठीक था, मेरे को फिर से बिल्लू भाई बना दो। तभी वहाँ पे कृष्ण जी आते हैं, बोलते हैं, बालक चिंता ना करो, तुम्हें बीड द रोबोट के पास जाना पड़ेगा। बीड द रोबोट के पास जाओ और उसके जैसा अच्छा काम करो, सबकी मदद करो, तुम भी ठीक हो जाओगे। यह कहकर गायब हो जाते हैं। बिल्लू भाई आगे बीड द रोबोट को खोजने के लिए चले जाते हैं। बिल्लू भाई राक्षस के रूप में बीड द रोबोट बॉय को खोजने के लिए जाते हैं। रास्ते से जैसे जाते हैं, सब कुछ देख के उनको राक्षस राक्षस कहने लगता है और डर के भाग जाते हैं। बिल्लू भाई बोलते हैं, अरे मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं बिल्लू भाई हूँ, मैं इंसान हूँ, अरे डरो मत मेरे से। लेकिन कोई भी उनका बात नहीं सुनता, सब कोई भाग जाता है। बीड द रोबोट बॉय पत्थर के ऊपर बैठा रहता है। तभी वहाँ पे बिल्लू भाई जो कि भूत बन चुके हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके बोलते हैं, बीड द रोबोट बॉय मेरी मदद करो, मैं एक सेब नीचे जमीन पे गिरा हुआ था, वो खाया और खा करके मैं भूत बन चुका हूँ, मेरा नाम है बिल्लू भाई, मैं सबकी मदद करता हूँ। बिल्लू भाई टेंशन मत लो, जब बीड है साथ तो डरने की क्या है बात, ये लो मैं आपको ठीक कर दिया हूँ। गाइस बिल्लू भाई को बचा लिया। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।